हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि हम जो डीसी है वो बैटरीज में स्टोर कैसे करते हैं, मतलब क्यों एसी स्टोर नहीं होता है। ठीक है, आज अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हम एसी को स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं और डीसी आसानी से स्टोर हो जाती है, क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो बैटरी है इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। यहाँ पे शो किया होता है, वैसे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और सबसे पहले जो हमारी बात है, करंट कितने प्रकार के होते हैं हमारे, वो लिख लेते हैं हम पहले। करंट जो होता है हमारा डीसी होता है और एक एसी होता है ना। और जो डीसी होता है उसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ जिससे आपको याद रह जाएगा। डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? जो ये सारी बात होती है वो खत्म होती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे आके, कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस हिसाब से जो है हमारा ये काम होता है। फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 50 हर्ट्ज जो इंडिया में है, और जो बाहर है वो हमारी 60 हर्ट्ज चलती है। अब इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्या है ये फ्रीक्वेंसी, मैं आपको ये बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी मैं टेबल बना देती हूँ, ग्राफ बना देती हूँ, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जो ग्राफ मिला हुआ है जैसे है ये, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिंग होता है, मतलब ये इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी सिंगल फेज की बात करें तो 220 वोल्ट ये पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, 220 वोल्ट जो हमारा ये नेगेटिव आएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो डीसी होती है उसमें दो होते हैं टर्मिनल्स, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। लेकिन जो हमारा एसी होता है उसमें होता है हमारे फेज एंड एक होता है हमारा न्यूट्रल। इसके अलावा हमारे सिंगल फेज होते हैं और थ्री फेज होते हैं। हमारे टर्मिनल जो है वो दो ही होते हैं हमारे जो एसी में होते हैं ना। जो हमारा फेज होता है उसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, मतलब जो हमारा फेज चल रहा है इसमें हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। और डीसी की होती है फ्रीक्वेंसी, वो होती है जीरो होती है। ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे ही होता है ना, कॉन्स्टेंट होता है। और अब हम बात करते हैं कि क्यों ये जो होती है स्टोर नहीं होती है। देखिए, जो बाई चांस हमारा एक लैंप ले लेती हूँ मैं, ये इसको यहाँ पे मैंने एक फेज दे दिया, एक न्यूट्रल दे दिया। अगर हम इंडिया में यूज करें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि ये जो 50 टाइम्स है ये ऑन होगा एंड 50 टाइम्स जो है हमारा वो ऑफ होगा। कितने सेकंड में? एक सेकंड में हमारा 50 टाइम्स ऑन और 50 टाइम्स ऑफ होगा। अगर हम इस सप्लाई को हमारे जो एक बैटरी है उसके साथ कनेक्ट कर दे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, तो क्या होगा कि एक बार डिस्चार्जिंग होगा उतना ही वो क्या होगा कि हमें इसके बार बार जो है उसके टर्मिनल्स चेंज करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इसीलिए हम जो है कर नहीं पाएंगे, जितनी तेज़ी से ये हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उतनी तेज़ी से हमारे जो है वो हम टर्मिनल्स चेंज वो है नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो हमारी बैटरी में एसी स्टोर नहीं होती है। और जो डीसी होती है उसका ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। वो एक बार चार्जिंग हो, जैसे हमने पॉइंट्स को कनेक्ट किया वैसे ही वो चार्जिंग होना शुरू कर देती है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है, और जो डीसी में हमारी चार्ज हो जाती है और एसी में हमारी चार्ज नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी के फ़र्क से। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 60 होगी तो ऐसी तरह से 60 बार हमारा जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारी है वो एसी स्टोर नहीं होती है और डीसी स्टोर हो जाती है फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू में बता देती हूँ कि आप इंटरव्यू में क्या लाइन बोलेंगे। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि हम एसी क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एसी चेंजेस इट्स पोलैरिटी अप टू फिफ्टी टाइम्स इन अ सेकेंड एंड बैटरी कांट
चेंज इट्स टर्मिनल एट सच अ स्पीड, मतलब क्या है इस लाइन का, मतलब जो है जो हमारी एसी होती है उसमें पोलैरिटी होती है वो 50 टाइम्स चेंज करती है उसकी फ्रीक्वेंसी को, और जो बैटरी है उतनी स्पीड से हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो उतनी तेज़ी से हम चेंज नहीं कर सकते हैं इसीलिए। और जो 50 हर्ट्ज़ होती है, हमारे इंडिया में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी डेवलप होती है, जनरेट होती है, वो सब इस तरह से बनते हैं कि वो 50 हर्ट्ज़ पे इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, वो 50 हर्ट्ज़ के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज़ चलती है, लेकिन अब के जो इक्विपमेंट मॉडर्न बन रहे हैं वो 50 या 60 दोनों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी मेरी वीडियो में क्वेरी रहती है या कोई और इलेक्ट्रिकल का टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।